नमस्कार दर्शकों, मैं संजय निराके अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज विवाह का टॉपिक निकला है। विवाह के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले आज मैं आपको मेष राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, मेष राशि वाले लोग यानी कि लड़का या लड़की किस राशि से शादी करना चाहिए और कौन से राशि शादी नहीं करना चाहिए, ये सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। ये वीडियो जिनकी राशि मेष राशि है उनके लिए भी लाभदायक है और जिनकी राशि मेष नहीं है उनके लिए भी लाभदायक है। अगर कोई लड़का दूसरे कोई राशि का है, 12 राशि होती है, आज मैं मेष राशि के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन किसी की वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु, मीन, कौन सी भी राशि रहने दो, वो राशि वाला लड़का मेष राशि के साथ शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो राशि वाली लड़की मेष राशि से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये दोनों के माध्यम से ही देख रहा हूं। लड़का या लड़की, लड़का भी रहेगा तो भी वही नियम आपको फॉलोअप करना है, लड़की भी रहेगी तो वही नियम आपको फॉलोअप करना चाहिए। दर्शकों, गुण मिलन करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये राशि वाला लड़का आपको सुटेबल है या नहीं है, ये राशि से आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट गुण मिलन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उत्तर तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये राशि वाली है, मेष राशि है, तो ये राशि से मेरे को विवाह कर सकता हूँ, ये राशि वाले लड़कियों से लड़कों से मैं विवाह कर सकता हूँ और इन राशियों से मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, ये सब प्रकार की सटीक जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ कि मेष राशि वाली लड़का लड़की कौन से राशियों के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल को नए से देख रहे हैं तो मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। मेष राशि नियम मैंने इसके पहले भी पहले के ही वीडियो में आपको बताया था कि राशि के स्वामी इनकी मित्रता देखनी चाहिए। राशि कितनी होती है, 12 राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। दर्शकों, ये 12 राशि को 5 ग्रह दिए हुए हैं, यानी कि ये 12 राशि के 5 ही ग्रह उनके स्वामित्व है। दो राशियों को खाली एक स्वामित्व मिला है, यानी कि एक ही ग्रह मिला है, बाकी के जो 10 राशियां हैं उनको दो दो स्वामित्व मिला है। जैसे कि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही है, वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है और धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है, इनको दो दो राशि दी है। और मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, इनको भी दो राशि दी है। और सिंह राशि और कर्क राशि, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। दर्शकों, इन्हीं दो राशियों को एक एक स्वामित्व मिला है, चंद्र और सूर्य को, बाकी के सभी राशियों को दो दो ग्रह का स्वामित्व, यानी कि दो दो राशियों का स्वामित्व, बाकी के ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व मिला है। आपको खाली यही देखना है कि ग्रह की मैत्री कौन से ग्रह से कौन सी मैत्री होती है। आप कुंडली के अंदर जब आप गुण मिलन करते हो तो ग्रह मैत्री कैसे देखी जाती है और भकुट दोष जैसे देखा जाता है उसी का ही यहाँ पे उपयोग हमने किया है, मदद हमने ली है कि ग्रह की मैत्री से ही आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, मेष राशि, उसका स्वामी है मंगल, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि मंगल का मित्र ग्रह कौन है। मंगल ग्रह का मित्र ग्रह है चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र का स्वामी है, चंद्र की राशि है कर्क राशि, तो मेष राशि वाले लोग कर्क राशि से शादी कर सकते हैं। फिर मेष राशि
मेष राशि और कौन से ग्रह से शादी कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रह का स्वामी राशि है सिंह राशि, तो सिंह राशि से भी मेष राशि की शादी हो सकती है। उसी प्रकार बुध ग्रह से मंगल की शत्रुता है, तो बुध ग्रह के स्वामी कौन हो गए, राशि कौन सी हो गई, एक तो मिथुन राशि और एक कन्या राशि है। तो मेष राशि वाले लड़का या लड़की मिथुन और कन्या राशि से विवाह नहीं करना चाहिए, वहां पे भुकुट दोष लगता है। ग्रह मैत्री जुरु, 5 में से जुरु गुण मिलते हैं, तो मिथुन राशि और कन्या राशि के साथ मेष राशि वाले लोग विवाह नहीं करते, अगर किया तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है, पति पत्नी में नहीं जमता है, झगड़ा होता है, विवाह टूटने का भी योग उत्पन्न हो जाता है। दर्शकों उसी प्रकार गुरु राशि गुरु ग्रह से मंगल की जमती है, यानी कि ये मित्र ग्रह है। तो गुरु ग्रह के राशि कौन से हो गए, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि, तो धनु और मीन राशि के साथ मेष राशि का विवाह हो सकता है। उसके बाद मंगल की खुद की एक राशि और एक है, वो है वृश्चिक राशि। यहाँ पे षडाष्टक योग लगता है, लेकिन फिर भी एक ही राशि के स्वामित्व होने के कारण ये शादी भी आप कर सकते हैं, यानी कि मेष राशि वृश्चिक राशि के साथ शादी कर सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र ग्रह का भी देखना चाहिए, शुक्र ग्रह ये मंगल ग्रह से ना शत्रु है ना मित्र है, सम, यानी कि आप इससे शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि गुण मिलन कितना होता है, 18 गुण के ऊपर या 22 गुण के ऊपर ये गुण मिलन जाना चाहिए। नाड़ी का दोष भी देखना चाहिए, मंगल है कि नहीं वो भी देखना चाहिए दर्शकों। मेष राशि ये वृषभ राशि और तुला राशि के साथ भी शादी कर सकते हैं। उल्टा तो ये देखा जाता है कि तुला राशि और मेष राशि का सबसे ज्यादा जमता है, वैवाहिक जीवन के लिए ये दोनों की युति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, मेष राशि और तुला राशि की। उसके बाद दूसरे ग्रह है शनि, शनि ग्रह का और मंगल ग्रह का शत्रुता है, तो जिनकी भी शनि की राशि है वो मेष राशि के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं, शनि की राशि दो होती है, एक मकर और दूसरी कुंभ, तो मेष राशि वाले लड़का या लड़की मकर या कुंभ राशि के साथ शादी नहीं करना चाहिए। दर्शकों आज मैंने आपको ये सभी प्रकार की जानकारी दी है, फिर से एक बार वापस मैं आपको एक सीधे माध्यम से बताता हूं कि मेष राशि वाले लोग कौन से राशि से शादी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खाली इतना ही देखना है ग्रह मैत्री कौन सी है, तो मैं आपको बता रहा हूं मेष राशि ये कर्क राशि के साथ शादी कर सकते हैं, सिंह ग्रह के राशि सिंह राशि के साथ भी शादी कर सकते हैं, उसके साथ गुरु ग्रह के राशि है धनु और मीन, इनके साथ भी मेष राशि की लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। फिर शुक्र ग्रह ये सम प्रभाव मिलता है, फिर भी तुला राशि के साथ शादी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गुण मिलन देखना है, ग्रह मैत्री तो ठीक है समान है, लेकिन गुण मिलन कितना आता है, मंगल दोष भी देखना चाहिए। उसके बाद शुक्र ग्रह का वृषभ राशि, वो भी आपको देखना है कि गुण मिलन कितना है सम राशि होने के कारण। फिर शनि की राशि है मकर और कुंभ, तो मेष राशि वाले लड़का लड़की मकर और कुंभ राशि के साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता होती है।
दर्शकों, बहुत सारे लोग गुण मिलन करने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषकार के पास जाते हैं, गुण मिलन करते हैं। जाने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि ये शादी जम रही है, नहीं जम रही है। लेकिन आपको घर बैठे ही इसका पूरा ज्ञान मिल सकता है। गुण मिलन तो करना ही चाहिए, लेकिन आप घर से निकलते समय आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मेष राशि वाली के साथ कौन से ग्रह की, कौन से राशि की शादी हो सकती है या नहीं करना चाहिए। ये आपको जो कॉमन नॉलेज होता है वो आपको होना चाहिए। दर्शकों, ये विवाह के बारे में मैंने वीडियो चालू किया है। वैसे मेष राशि वाले के लोग कौन से राशि के साथ शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आज मेरा पहला वीडियो विवाह के बारे में जो है, राशि के बारे में पहला वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत किया है। फिर आगे चल के वृषभ, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सभी राशियों के साथ बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।